माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्रिस्टी, क्रिस्टी पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, इन टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम में थ्री पार्ट हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड पर F1 और बेस पर F0 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिससे कि इसको बोलते हैं F0F1 कॉम्प्लेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP। सो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम क्या देखते हैं कि हमको जब हमने रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस का और ETS का पढ़ा, तो ग्लाइकोलिसिस में तो ATP का प्रोडक्शन हो भी रहा था, लेकिन ETS में एक भी ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जब ETS में ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल को ETS से कनेक्ट कर दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्ट कर दिया गया। जब ETS को उससे कनेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे जब कनेक्शन हुआ तो देखा गया कि 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FAD इज इक्वल टू 2 ATP। तो इसको हम लोग सटल बोलते हैं, ये जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स चल रही है इसको हम लोग सटल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टी के इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP से ADP का प्रोडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O2। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O2 ATP से ADP का प्रोडक्शन हो जाए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O2 ATP से ADP का प्रोडक्शन हो जाए। फिर क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। इनको हम लोगों ने F1 पार्टिकल भी बोला है, क्योंकि हेड पर मेन वर्क रहता है। F0 हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड पर F1, बेस F0। F0F1 कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। F0F1 कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात इतनी समझ में आ गई। दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जब लिखने के लिए आएगा तो ये हम लोगों को लिखना होगा कि ATP का प्रोडक्शन, ADP से ATP का प्रोडक्शन, जिससे एनर्जी, यहाँ पे ADP के पास ATP से कम एनर्जी है। अगर एक फॉस्फेट और ले लेगा तो ये ATP बना लेगा, और जब ये ATP बना लेगा तो इसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ये पूरी प्रोसेस होगी इसकी कहाँ पर, ये पूरी प्रोसेस होगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लिखिए बेटा। हो गया पढ़ी? कर दे। हाँ मैं
उसके बाद आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं किस पे, आरक्यू क्या होता है और एम्फीबॉलिक पथवे क्या होता है। एम्फीबॉलिक पथवे क्या चीज होती है, तो जब हम लोग एम्फीबॉलिक पथवे लिखेंगे, यहाँ पर पहले आरक्यू लिख लें, आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट। रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट को हम कैसे निकालते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट हम लोग की एक वैल्यू है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि रिलीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि रिलीज हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ O2 जो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके रेशियो को हम लोग RQ बोलते हैं। यानी लिखेंगे क्या, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड CO2 या वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, बस समझिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, यहाँ पे इवॉल्व भी ले सकते हैं इवॉल्व्ड, और वॉल्यूम ऑफ CO2 इज एब्जॉर्ब। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग RQ बोलते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का और उसका फैट का और ऑर्गेनिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, अलग अलग जितना भी वॉल्यूम होता है उसको निकाल लेते हैं, कितना की वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी इवॉल्व हो रही है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों की अगर वैल्यू रख देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में राउंड फिगर में इसका आंसर आ जाएगा कि हम लोगों का रेशियो कितना होगा। अगर हम देखेंगे कि RQ किसमें, कार्बोहाइड्रेट में कितनी है, तो 6CO2 और 6O2 लगाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ जो आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, क्योंकि 6CO2 और 6O2 यहाँ पर यूज करते हैं तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। CO2 और अपॉन O2 अगर कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो कि एक रेशियो कंबाइंड है। अगर फैट का यही करते हैं तो फैट में आ जाएगा हम लोगों का रेशियो, फैट का रेशियो आ जाएगा लेस देन 0.7 से कम, बात समझ गए। तो हम लोगों को आरक्यू की डेफिनेशन लर्न करनी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है कि आरक्यू क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड, यानी O2 कितना यूज हो रहा है, CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है क्योंकि 6CO2 + 6O2 होता है, तो 6CO2 और 6O2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जो हम लोगों का फैट है उसका हम लोगों का लेस देन 0.7 से भी कम होता है फैट का रेशियो, जिसमें CO2 इवॉल्व और O2 यूज्ड का रेशियो हम लोगों को निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। प्रोटीन का रेशियो 0.8 और 0.9 होता है, प्रोटीन का रेशियो जो होगा 0.8 और 0.9 होता है, अलग अलग के बेसिस पे। आरक्यू के डेफिनेशन 1 मार्क्स में या आरक्यू के डेफिनेशन 2 मार्क्स में आती है कि व्हाट इज आरक्यू, तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 इज एब्जॉर्ब्ड, दिस रेशियो इज नोन एज RQ, volume of O2 evolved, volume of CO2 evolved and volume of O2 absorbed के ratio को हम लोग क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। RQ carbohydrate का 1 होता है, fat का less than 0.7 होता है, protein का 0.8 और 0.9 होता है। इतनी बात clear हो गई बेटा? इतनी बात clear हो गई? अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम एम्फीबॉलिक पथवे देखते हैं, तो जब भी कभी हम एम्फीबॉलिक या एम्फीबिया या एम्फी वर्ड का यूज करते हैं, तो एम्फी वर्ड का मीनिंग होता है कि दो चीजें कोलैप्स कर रही हैं एक दूसरे के साथ, दो चीजें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, तब हम इसको एम्फी के नेम से जानते हैं। अगर दो चीजें एक साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं तो तब हम लोग इसको एम्फी के नेम से जानते हैं, बात समझ गए। अगर हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब को एक साथ ऐड कर दें तो इसको हम लोग एम्फीबॉलिक, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स का कनेक्टिंग लिंक है पाइरुविक एसिड। अगर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड नहीं होता
तो पायरिक एसिड में पायरिक एसिड क्रेव्स साइकिल में नहीं यूज होता, अदर जगह से ला सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए को, लेकिन पायरिक एसिड को नहीं ला सकते। पायरिक एसिड को लाने के लिए सिर्फ ग्लूकोज की ही जरूरत है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा देन पायरिक एसिड बनेगा, देन फाइनली स्मूथ क्रेव्स साइकिल हम लोगों की चलती रहेगी। लाने को हम प्रोटीन से एसिटिल कोएंजाइम लाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे तब डायरेक्टली ग्लूकोज से लाना है हमको। ग्लाइकोलिसिस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हम लोग का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। जब हम क्रेव्स साइकिल को डिनोट करेंगे तो क्रेव्स साइकिल में जो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है उसका हम एक मॉलिक्यूल का रेशियो पूरा साइकिल बना देंगे और उसका जस्ट डबल करते जाएंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पायरिक एसिड रिलीज हुए हैं। तो एक पायरिक एसिड की अगर रिएक्शन देखते हैं तो 15 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उसी जगह अगर उसी के इक्विवेलेंट करके हम दो की देखेंगे तो हमारे 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम किलो कैलोरी के फॉर्म में देखते हैं तो किलो कैलोरी के फॉर्म में 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई क्रेव्स साइकिल में पहुंचता है तो नन ऑफ द अबव, नॉट एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता वहां पर। व्हेन क्रेव्स साइकिल कनेक्ट टू एटीपी देन 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FAD इज इक्वल टू 2 ATP एंड 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एटीपी जीटीपी के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर जीटीपी का फॉर्मेशन क्यों हुआ? यहाँ पर जीटीपी का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई कि एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई कि एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता, इसलिए ऐसा हुआ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? अब जरा देखो, उसी जगह हम लोगों ने आरक्यू को निकाला तो आरक्यू में क्या है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ओ टू इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ओ टू एब्जॉर्ब, दिस इज नोन एज आरक्यू। कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का लेस देन 0.7 एंड प्रोटीन का 0.8 और 0.9। हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड एंड ढपाक में क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पहला C3 कंपाउंड था। क्रेव साइकिल में C5 कंपाउंड कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड C5 कंपाउंड है। बात समझ गए? C2 कौन है, एसिटिल कोएंजाइम ए। C6 कौन है, साइट्रिक एसिड। C4 कौन है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? परी लिख लो बेटा। क्यों मिलेगा? देख लिया? अब जरा एम्फी वाले पथ पे देखो,
एंजाइम सिस्टम लर्न कर लिया, वरी एंजाइम सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम लर्न कर लिया? नहीं मैम, उस पुराने चैप्टर पे हूँ। कौन सा चैप्टर लर्न कर रहे हो? अभी वाला चल रहा है मेरा, प्लांट किंगडम। अच्छा, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, फिर डाइजेशन करूंगा। सेल हो ही गया हम लोगों का ना? हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी चल रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलेशन। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेशन स्टार्ट कर देंगे तो आराम रहेगा। फिर ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लास्ट यूनिट बचेगी। देखो हम लोग क्या करते हैं, फैट जो चेंज होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा। ऐसा क्यों होगा बताते हैं अभी हम, कि ऐसा क्यों होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज क्यों हुआ। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट की तो ये साइकिल जान ही रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट की साइकिल बनेगी यहां पर डाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पागल समझ जाओगे ना, त्रिफॉस्फेटिड एसिड की बात हो रही है, इतनी बात समझ जाओगे ना? हम देखो इसको हम लोग एम्फीबॉलिक पथवे क्यों बोलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एम्फीबॉलिक पथवे इसको क्यों बोलते हैं। एरो सारे दिखाई दे रहे हैं ना? मम्मी इसे नीचे का दिखाई दे रहा, एक मिनट दिखता है अभी। देखो हमने क्या किया, एम्फीबॉलिक पथवे का मतलब होता है दो साइकिल एक साथ चल रही हूं। ठीक है, तो देखते क्या है कि हमारे पास तीन मेगा न्यूट्रेटिव सब्सटेंस है, तीन मेगा न्यूट्रेंट है, एक है फैट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है प्रोटीन। इन्हीं तीनों में हम लोग एक तरीके से सिमट के रह गए हैं कि इन तीन के अलावा हम डिफरेंट कोई चीज नहीं खाते, और डिफरेंट चीज खाएंगे भी क्या, इन तीनों के अलावा डिफरेंट चीज है क्या भाई? विटामिन ले सकते हैं एक, मिनरल्स ले सकते हैं, अगर मिनरल ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जाएगा, सादा मिनरल तो किसी से लेंगे नहीं। तो फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, जिसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में लेते हैं, प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द सजेशन लेते हैं डेली रूटीन पे, लेकिन जैसे पल्सेस है, एलमंड है, पनीर है, तो हम लोग उस चीज को फॉर्मेट करके खाते हैं, यानी उसका फॉर्म चेंज कर देंगे, तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में कभी ना कभी दाल वाल से पहुंच जाता है, और प्रोटीन इनसाइड बॉडी हमारा फॉर्म भी हो रहा है। तो हम कहते क्या है कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के पास अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड से भी पारविक एसिड बन सकता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए बनके क्रेब्स साइकिल हो जाए। फैटी एसिड, क्योंकि फैट का फॉर्मेशन होता है वन मॉलिक्यूल फैटी एसिड एंड थ्री मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से होता है फैट का फॉर्मेशन। तो फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड। तो इन्होंने क्या कहा, फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने अभी पायरुविक एसिड में साइकिल में क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल में हम पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए तक दूसरे रास्तों से पहुंच सकते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड तक पहुंचने का एक सिंपल रास्ता हमारा यही है। तो जो सीधा पॉइंट है हम उस पॉइंट से सीधे जाएंगे, हम क्यों इतना टेढ़ा मेढ़ा करके जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको अगर करंट एनर्जी की जरूरत है,
तो हम कभी करंट एनर्जी के लिए सजेशन नहीं लेंगे कि हम फैट लें। करंट एनर्जी का सजेशन हमारा फैट तो होगा नहीं, ज्यादा एनर्जी इससे ऑब्टेन हो रही है लेकिन टाइम डिले है। हम ज्यादा एनर्जी इससे लिबरेट कर लेंगे लेकिन टाइम नहीं है उतना कि फैट को पहले मैं इमल्सीफाई करें, फैटी एसिड में थोड़े, फिर ग्लिसरॉल में तोड़े, फिर फैटी एसिड को सिंपल फॉर्म में करें, फिर एनर्जी को कंज्यूम करें। प्रोटीन को तोड़े, अमीनो एसिड बनाए, फिर पेप्टाइड, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड तक चले, ये सारी प्रोसेस लंबी है। कार्बोहाइड्रेट को में ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट बना लें और बना लें DHAPO। तीन पागल जब लास्ट एंड तक पहुंचेगा तो बनाएगा पायरुविक एसिड, जिससे चालू हो जाएगी हमारी क्रेब्स साइकिल। तो सीधा रास्ता तो हमारा यही है ना, सीधा रास्ता हमारा यही है। हम चल तो यहां से भी सकते हैं, चल हम यहां से भी सकते हैं, लेकिन हम यो क्यों ना आए, हम इतना घूम के आएंगे यहीं, तो हम सीधे ऐसे ही ना चले आए। तो इस दो प्रोसेस को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक पथवे। बस समझ गए, एम्फीबॉलिक पथवे बोलते हैं इसको, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, तीन पागल से चेंज हुआ। लास्ट एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जब जाएगा क्रेब्स साइकिल में तो बनाएगा एस्टिल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड, साइक्लोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सनिल कोएंजाइम, सक्सनिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलोसिट्रिक एसिड। लेकिन हमको यहाँ से चल के आना है सीधा सीधा रास्ता। हम अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोटीन भी खा रहे हैं तो प्रोटीन भी चेंज होगा पेप्टाइड में, पेप्टोन्स में, प्रोटीओज में और फिर अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड डायरेक्टली पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम तक पहुंच जाएगा। ठीक, हम अगर चाहें तो फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़कर डायरेक्टली जा सकते हैं एस्टिल कोएंजाइम के साथ, हम इससे भी चल सकते हैं। DHAPO आ जाए, DHAPO से तीन पागल बन जाए, उसके बाद एस्टिल कोएंजाइम में हम इतना लंबा चौड़ा चल रहे हैं, चल हम सकते हैं लेकिन चलेंगे हम ऐसे ही। बस समझ में आ गई। अगर हम चाहें तो किसी भी रोड पे जाना है हमको तो उसके कई रास्ते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट कौन सा रास्ता करेंगे जो सीधा और सिंपल हो। बात समझ रहे हो, अगर हम चाहें तो हम बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से करके जा सकते हैं, लेकिन हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अप्लाई ही क्यों करेंगे जब हम सीधे रास्ते से चल सकते हैं। तो एम्फीबॉलिक पथवे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इससे 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 ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इससे, हम कर इससे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे कर नहीं रहे, लेकिन टाइम आने पर करेंगे इससे, अदरवाइज हम इससे ही करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 1 6 तीन पागल DHAPO पायरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड। फैट फैटी एसिड DHAPO तीन पागल पायरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल फिर चले एस्टिल कोएंजाइम ए। प्रोटीन प्रोटीन सिंपल फॉर्म में चेंज हुआ, प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड होती है, तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बनाओ बेटा।
हो गया मैम। हो गया पारी। हो गया बेटा। हाँ मैम। अब जरा देखो, अब हम देखते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पूरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तक पढ़ चुके थे ना, लंग्स की मेम्ब्रेन, डायाफ्राम, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, ट्रेकिया, कार्टिलेज नसें। तो अब हम देखेंगे बेटा कि जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म हो रही थी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन उसमें, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है। यानी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी रेस्पिरेशन की जो रेट है वो पर मिनट, यानी रेस्पिरेशन रेट को कैसे मेजर किया जाता है। रेस्पिरेशन रेट को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन हमारी है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन 12 to 15 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट, बात समझ ली, 12 to 15 times per minute, ये हम लोग की rate of respiration है, ठीक? इसको measure करते हैं हम लोग, measure करते हैं इसको, spirometer, spirometer और respirometer, respirometer के through measure करते हैं, ठीक? दूसरी बात, हम लोगों का total volume, lungs का volume कितना है? लंग्स के वॉल्यूम कितने हैं, यानी टोटल हम लोग लंग्स में कितने हैं। लंग्स कभी एम्प्टी नहीं होते हैं, लंग्स में लोब हैं, राइट में 3 लोब हैं, लेफ्ट में 2 लोब हैं, और जो ये लंग्स के लोब हैं उनके अंदर भी लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो जो लोब्यूल्स हैं उनको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। एक एक एल्वियोलाई में एक एक ब्रोंकियोल एंटर करता है टर्मिनल एंड तक, और टर्मिनल एंड पर जाकर ब्रोंकियोल्स बंद हो जाता है। बस समझ गए, एक एक ब्रैंकियोल्स एंटर कर जाता है। और हम लोग हर तरीके से रेस्पिरेशन रेट को मेजर करते हैं कि हम रेस्टिंग पीरियड में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी कितनी है हमारी लंग्स की, टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना हमारा सारी एक्सरसाइज करने के बाद बचा रहता है। तो टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम हम लोगों का मेन फैक्टर करता है कि नॉर्मल हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अगर बैठे हैं तो नॉर्मल उस कंडीशन पर, जब हम बैठे हैं उस कंडीशन पर हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये एक मैटर करता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल हम जब कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्टिंग पीरियड में बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड
एयर, बस समझ गए, यानी नॉर्मल बैठी हुई कंडीशन है, कोई वर्क आउट नहीं हो रहा बॉडी से, तो उस कंडीशन पे क्या है हम लोगों का जो रेस्पिरेशन है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम उसको बोलते हैं, कि नॉर्मल अगर हम एक तरीके से बैठे हुए हैं चुपचाप तो रेस्पिरेशन कितना पर डे हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन एयर का कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको सिंपली कह सकते हैं रेस्टिंग पीरियड। तो टाइडल वॉल्यूम है हमारा 500 ml, बस समझ गए, यानी हम कुछ ना करें तब भी 500 ml एयर हमको इनपुट और आउटपुट करनी ही करनी है।